मित्रों जय सियाराम। मित्रों हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ जिसको कुछ लोग अंधविश्वास, दकियानूसी बात या फिल्मी बातें कहेंगे, क्योंकि किस्से कहानियों में, फिल्मों में हम सुनते देखते आए हैं। मित्रों आज बात करेंगे भूत प्रेत की। कभी आप देखते होंगे घर में कोई बीमार हो गया, उसकी बीमारी कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, या मानसिक रूप से बहुत परेशान है, आप कई साइकियाट्रिस्ट का चक्कर लगाते हैं, दवा दिए जा रहे हैं, ट्रंकलाइजर्स दिए जा रहे हैं, एंजाइलिटिक दिए जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ठीक होने की जगह बेड रिटर्न होता चला जा रहा है, उसका स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है। तो कभी ऐसे में कभी किसी अच्छे स्पिरिट रीडर से मिलके देखें, क्योंकि स्पिरिट रीडिंग भी एक आर्ट है, और नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, ठगों के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना जो अधजल गगरी छलकत जाए वाले लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत देख लिया, समझ लिया और लगे ओझा बनने, भूत झाड़ने, ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। आपको पहले तो पहचान करनी है कि क्या हमारे घर में जो व्यक्ति बीमार है, क्या वो भूत प्रेत से ग्रसित है। तो आप कैसे पहचान करेंगे, पहले आपको कुछ उपाय बताता हूँ। मित्रों आंखें हमेशा चढ़ी होगी व्यक्ति की, भ्रिकुटी तनी होगी और हमेशा क्रोध में रहेगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति में तोड़फोड़ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि शरीर के अंदर दो आत्माओं का वास हो जाता है, एक तो हमारी आत्मा, दूसरा एक आत्मा जो हमारे अंदर प्रवेश कर गई। तो एक आत्मा जो है वो नॉर्मल बिहेव करेगा जैसा हम करते आते हैं, और दूसरा आत्मा उसके परस्पर विरोधी व्यवहार करेगा। एक कपड़ा पहनेगा तो दूसरा कपड़ा फाड़ेगा, एक खाना मांगेगा तो दूसरा थाली फेंकेगा। तीसरा आप ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति स्वयं से खाना मांगे और स्वयं से थाली पटक दे। तो ये भी एक लक्षण है कि आदमी जो है प्रेत व्याधि से ग्रसित हो सकता है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि मंदिर के पास या देवताओं के प्रतिमाओं के पास लेकर जाएंगे तो वो चिढ़ेगा, हंसी उड़ाएगा या मजाक करेगा या डर जाएगा। तो इस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं भूत प्रेत की कोई व्याधि तो नहीं है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे खुद का बाल नोचना, सर दीवार में मार देना, बिस्तर से नीचे उतरकर पैरों को पटकना, सर को जमीन में पटक लेना, यह सब लक्षण हैं कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं भूत प्रेत से ग्रसित हो सकता है। मेरा पर्पस अंधविश्वास फैलाना नहीं है, ये डिस्क्लेमर दे दूं मैं, क्योंकि भूत प्रेत एक सच्चाई है। क्योंकि आप स्वयं सोचिए, दो बातें यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि पहले कोई भी वस्तु आती है तभी उसका नामकरण होता है, तो पहले भूत रहा होगा तभी ये नामकरण उसका पड़ा भूत। दूसरी बात कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यदि हनुमान जी हैं इसका मतलब भूत प्रेत भी है, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ऐसी चीज़ें होती हैं। यदि आप राह चल रहे हैं, किसी सुनसान रास्ते पे हैं, अचानक से कोई आपको आवाज़ दे, वहाँ कोई ना दिखे, तो वहाँ प्रेत का वास हो सकता है, यह भी एक लक्षण है, वहाँ से भी आप प्रेतात्मा के संपर्क में आ सकते हैं। तो मित्रों ये तो कुछ पहचान हमने बताए, अब कुछ उपाय बताता हूँ। हालांकि इलाज जो है वो प्रॉपर स्पिरिट रीडर से ही करानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप घर में कुछ उपाय कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। पहली बात तो यह है कि सुबह और शाम दोनों समय गुगुल जलाएंगे घर में, या लोहबान जलाएंगे या धुने का हवन करेंगे। इसके अलावा मित्रों आपको खुशबू वाली चीज़ें, खास करके चमेली वगैरह, घर में अगर आप इत्र यूज करते हैं तो इससे भी प्रेत जो है भागता है। देखिए मैं परस्पर विरोधी बात कह रहा हूँ, लोग कहते हैं खुशबू से प्रेत आता है, मैं कह रहा हूँ खुशबू से प्रेत बाहर की ओर जाते हैं, क्योंकि खुशबू जो है ये लक्ष्मी जी की पसंदीदा चीज़ है, और जो चीज़ें ईश्वर को पसंद हो वो प्रेतों को कभी भी पसंद नहीं हो सकती, तो खुशबू से भूत भागते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी भूत भागते हैं। इसके अलावा मित्रों अपामार्गा एक जड़ी होती है जिसको चिरचिरा भी कहते हैं या चिचिरा भी कहते हैं, इसको उबाल दीजिए गर्म पानी में, मतलब गुनगुने पानी में उबाल दीजिए, पानी को ठंडा कर दीजिए, गुनगुना कर दीजिए, और जो व्यक्ति ग्रसित है उसको आप पिला दीजिए, प्रोबेबिलिटी है कि भूत प्रेत जो भी होगा वो चला जाएगा।
इसके अलावा आप जो व्यक्ति पीड़ित है आप उससे क्षमा मांग लें। तो अगर अच्छे मन से घर वाले और वो स्वयं क्षमा मांग लें तो भी प्रेतात्मा के भागने के संकेत मिलते हैं। और एक चीज़ आप और देखिएगा कि जो व्यक्ति ग्रसित होता है तो अजीब सा जो भाषा उसने कभी सीखा नहीं है वो भाषा बोलने लगता है। तो ऐसी सूरत में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपको इस तरह का कोई केस मिलता है तो इस तरह के केस में स्वयं हाथ ना डालें, किसी अच्छे देखने जानने वाले से मिलें या कोई ऐसे स्थल पे जाएं जैसे सालासर में बालाजी के मंदिर जाएं, वहाँ इसका उपचार हो सकता है। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जय सियाराम।